हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल क्यों होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में हम उसको बाहर निकाल देते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन हमारी बॉडी से वो बाहर निकल आता है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं क्रिएट करता है। और हमारे लिए ये तो हमेशा का किसी भी लिविंग के लिए होता है कि वो ऑक्सीजन लेता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, तो हमारी बॉडी के लिए वो इस तरह से हार्मफुल नहीं होता। लेकिन जहाँ तक कार्बन मोनोऑक्साइड की बात है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट हमारी बॉडी पर इस तरह से होता है कि जो हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और जब कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है उस एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, तो फिर हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से वो ज़्यादा बाउंड होना पसंद करता है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। अगर ऑक्सीजन भी मौजूद है और वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पहले बाउंड हो जाएगा और वो फिर हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट करेगा, जिससे कि जो ऑक्सीजन है उसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल इसी तरह से होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो हमारे ब्लड से इस तरह से नहीं वो बाउंड हो जाता है जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड बाउंड हो जाता है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा वो तेज़ी से, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा आसानी से वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारी ब्लड से बाउंड हो जाता है, जबकि हमें नीड होती है ऑक्सीजन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में, क्योंकि उससे फिर जब वो ब्लड में बाउंड हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन के बाउंड होने के चांस नहीं रह जाते, तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।